हे केशव, इस माया की संसार का रूप क्या है? हे अर्जुन, यदि तुम अपने ज्ञान चक्षुओं से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह माया का संसार एक उल्टे वृक्ष की भांति है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और टहनियां और पत्ते नीचे की ओर हैं। अपने अंतर चक्षुओं के द्वारा इसे देखो अर्जुन। हे केशव, मैं संसार वृक्ष को देख सकता हूं, इसकी जड़ें ऊपर हैं और तुमसे निकली हैं। हाँ अर्जुन, जैसा मैंने कहा, यह माया का संसार मेरे ही से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसकी जड़ें मेरे में हैं और माया का स्थान क्योंकि मुझसे नीचे है, इसलिए यह पेड़ उल्टा है। हे केशव, इस संसार वृक्ष में ब्रह्मा का स्थान क्या है? हे अर्जुन, इस संसार का विस्तार करने वाला होने से ब्रह्मा इस वृक्ष की मुख्य शाखा है। और वेद इसके पत्ते हैं। हे पार्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांचों इस वृक्ष की शाखाओं की कोपलों के रूप में हैं। हे पार्थ, इस माया वृक्ष को सत, रज और तम तीनों गुणों के जल से सींचा जाता है। आसक्ति का मारा मनुष्य इसी पेड़ की डालियों में उलझा रहता है। पार्थ, ये वृक्ष अनादि है, अनंत है। ये वृक्ष संसार के माया का प्रतीक है।